हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी होड्स क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द गिवन पाई चार्ट शोज द गेम्स प्लेड बाय 1500 स्टूडेंट्स। क्या है टोटल, कितने स्टूडेंट है? 1500 स्टूडेंट है। वो जो भी गेम प्ले करते हैं उससे रिलेटेड एक पाई चार्ट दिया गया है। ऑफ अ स्कूल ईच स्टूडेंट प्ले ओनली वन गेम, हर एक बच्चा सिर्फ एक गेम खेलता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले हॉकी टू दोज हु प्ले बैडमिंटन। आपको रेशियो बतानी है हॉकी और बैडमिंटन की, तो मैं यहां लिख लेती हूं एंगल ऑफ हॉकी। एंगल ऑफ हॉकी कितना आएगा? हॉकी का एंगल देखो आपको यहां पर फाइंड करना है, ठीक है? और तो मुझे एंगल ऑफ हॉकी चाहिए और एंगल ऑफ बैडमिंटन भी चाहिए मुझे, बैडमिंटन, ठीक है? आप देखें क्या इनमें से कोई सा एंगल आपको दिया गया। अभी फिलहाल तो कोई एंगल नहीं दिए गए, तो सबसे पहले हमें एंगल फाइंड करने हैं। मैं लिखती हूँ ये है एंगल वन, और इस वाले को हम लिख लेते हैं, इसको हम कर देते हैं एंगल टू, ये थ्री, और ये वाला एंगल हम कर देते हैं फोर। हाँ जी, अब आप देखें यहां से ये ऐसे क्रॉस बना रहे हैं, तो वन और टू कैसे आएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल आएंगे। तो हम यहां लिखेंगे एंगल वन बराबर है एंगल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल वन आपका 120 है, तो एंगल टू भी आपका कितना आ जाएगा? 120। एंगल टू इज 120 डिग्री, तो मैं यहां लिख देती हूँ एंगल टू की भी वैल्यू कितनी आ रही है? 120 डिग्री। एंगल थ्री आपका 40 डिग्री। अब मैं फोर देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर टू थ्री और फोर बन रहा है, तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। हम लिखेंगे एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। जब दो, अगर दो जुड़ के, जैसे देखिए ऊपर की तरफ एंगल वन और इधर वाला, जब क्रिकेट और टेनिस को जोड़ते तो दो एंगल जुड़ते और 180 आता, तब हम लिखते लीनियर पेयर। लेकिन यहाँ थ्री एंगल जुड़े हुए हैं तो हम इसको लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। तो अब आप यहां से देखिए एंगल टू की वैल्यू कितनी दी गई है? एंगल टू की वैल्यू मेरे पास है 120 डिग्री, एंगल थ्री है मेरे पास 40 डिग्री, और एंगल फोर अब फाइंड हो जाएगा। तो यहां से ये कितना होगा? 160 प्लस में एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल फोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 प्लस के 160, इधर जाके माइनस के 160, तो एंगल फोर की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। तो जो हॉकी का एंगल है वो कितना आ गया? 20 डिग्री। तो मैं यहां पर पहले ही लिख दिया था, तो मुझे पता चल गया हॉकी का एंगल कितना आया है 20 डिग्री, और एंगल ऑफ बैडमिंटन कितना है 120 डिग्री। मुझे एंगल ही फाइंड करने थे, मैंने कर लिए। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इन्होंने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले हॉकी टू बैडमिंटन। तो हमें स्टूडेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, रेशियो ही बतानी है आपको। रेशियो किस किस की बतानी है? आपको रेशियो बतानी है हॉकी टू बैडमिंटन, हॉकी टू बैडमिंटन, ठीक है? तो अब आप यहां से देखिए हॉकी के कितने हैं, देखो रेशियो भी आपकी क्या होती है, जब आप डिवाइड करते हैं उसको ही रेशियो बोलते हैं। तो हॉकी का एंगल कितना आया? 20 डिग्री, तो मैं ऊपर लिखूंगी 20। बैडमिंटन का आया 120 डिग्री, तो इसको 120 से डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, 1/6 आया, तो कितनी रेशियो आ जाएगी? 1:6। एक बार दोबारा से पढ़ ले, देखो इन्होंने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी टू दोज हु प्ले बैडमिंटन। तो पहले हॉकी आएगा बाद में बैडमिंटन, हॉकी रेशो बैडमिंटन, तो आंसर आ जाएगा 1:6, ठीक है? ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा तो कुछ था ही नहीं इसमें। होड्स का आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपका चैप्टर 15 भी यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।